बच्चों, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है उद्योगों का वर्गीकरण। तो उद्योगों को हम चार भागों में यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, उनके आकार के आधार पर, उनके स्वामित्व के आधार पर, तैयार माल के आधार पर और कच्चे माल के आधार पे। तो पहले हम देखेंगे आकार के आधार पे उद्योग कितने प्रकार के हैं। तो उसमें फर्स्ट है कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को हम देखेंगे। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, दूसरा है निजी क्षेत्र के उद्योग और तीसरा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तैयार माल के आधार पर जब हम उद्योगों की बात करते हैं तो वो दो प्रकार के होते हैं, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। कच्चे माल के आधार पर जब हम उद्योगों की बात करते हैं तो वो है कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, रसायन आधारित, वनों पर आधारित और पशुओं पर आधारित। आइए अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण हम देखेंगे, जिसमें पहला है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, वो है घरेलू उद्योग। जैसा कि इसका नाम है घरेलू, अर्थात ऐसे उद्योग जो घर के आसपास लगाए जा सकते हैं। तो इसकी विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता है छोटी इकाई। अब ये जो कुटीर उद्योग धंधे हैं, ये निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। क्यों है? क्योंकि ये जो उद्योग धंधे हैं वो घर के आसपास विकसित किए जा सकते हैं। इसके लिए बहुत छोटे क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो होते हैं निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। दूसरी चीज़, इसमें जो शिल्पकार होते हैं वो जो स्थानीय कच्चा माल होता है उसका ही प्रयोग करके अपना प्रोडक्शन कार्य करते हैं। अर्थात जो भी वस्तु उन्हें अपने आसपास प्राप्त होती है उन पर ही वो इस उद्योग धंधे को विकसित करने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी क्षेत्र में बांस के बहुत सारी झाड़ियाँ मिलती हैं तो वहाँ पे लोग टोकरी बनाने का कार्य करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बांस उनको बहुत इजीली अवेलेबल है। इसी प्रकार उनको आसपास अगर जैसे कहीं पे नारियल अगर किसी क्षेत्र में मिल रहा है तो वहाँ पे लोग क्या करने लगते हैं, नारियल के रस्सियाँ बनाने, उसकी जटाओं से रस्सियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी उसको स्थानीय वस्तु मिल रही है वो उसी पे डिपेंडेंट हो जाता है और इस उद्योग को विकसित करने लगता है। नेक्स्ट है साधारण औजार। कुटीर उद्योग धंधों में उत्पादन कार्य करने के लिए कोई बहुत ही बड़ी मशीन की या स्पेसिफिक मशीन की कोई आवश्यकता या विशेष टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हमारे घरों में जो भी वस्तु अवेलेबल है उन्हीं वस्तुओं पे निर्माण कार्य किया जाता है, उन्हीं वस्तुओं की मदद से निर्माण कार्य किया जाता है। अर्थात ये साधारण जो औजार हैं उन पर ही ये उत्पादन कार्य निर्भर करता है। इस उद्योग में जिस भी वस्तु का प्रोडक्शन कार्य किया जाता है व्यक्ति उसको स्वतः यूज़ करने लगता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कुटीर उद्योगों में दैनिक उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन अधिक किया जाता है। ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिसको व्यक्ति स्वतः प्रयोग कर लेता है। यही कारण है कि इनका व्यापारिक महत्व बहुत ही कम होता है, क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, जो भी वस्तु का निर्माण कर रहा है उसको अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयोग कर ले रहा है, यानी उसका कोई व्यापार नहीं किया जा रहा है। अगर कभी पॉसिबल हो तो ये किया जाता है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका प्रोडक्शन कार्य करके उसको गाँव की जो लोकल मार्केट है उसमें सेल ऑफ करने के लिए रख दिया जाता है, या कई बार ऐसा होता है कुटीर उद्योगों में व्यक्ति आपस में अपनी वस्तुओं को एक्सचेंज कर लेते हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ चीज़ है वो दूसरे व्यक्ति को चाहिए तो आपस में ही वस्तुओं को अदला बदली कर लेते हैं। तो इसके अलावा ये जो कुटीर उद्योग धंधे हैं इनको पूंजी और परिवहन ज़्यादा प्रभावित नहीं करती है। अब देखते हैं पहले पूंजी क्यों नहीं करती है। क्योंकि हमें मालूम है इसमें हमें ना तो किसी कच्चे माल को बाहर से मंगवाने की आवश्यकता है, ना हमें बहुत भारी भरकम किसी मशीनरी की आवश्यकता है, और ये जो वस्तु है कुटीर उद्योग में जिन वस्तुओं का यहाँ पे प्रोडक्शन कार्य किया जा रहा है वो प्रोडक्शन कार्य किसी विशेष व्यापारिक महत्व का नहीं होता है। तो जब इस तरीके की कोई आवश्यकता हमें नहीं है तो वहाँ पे क्या है, पूंजी उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करती है। जब कोई वस्तु व्यापारिक महत्व की ही नहीं है या किसी वस्तु का उत्पादन नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर नहीं हो रहा है तो उसको परिवहन के साधन भी बहुत कम प्रभावित करते हैं। तो ये कुछ जो विशेषताएं आपको बताई इसको अभी देखेंगे हम। ये हैं कुटीर उद्योग की विशेषताएं। हमारा छोटे पैमाने के उद्योग, इसकी विशेषताओं में पहला है स्थानीय कच्चा माल। ये जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं ये भी स्थानीय कच्चे माल पर ही डिपेंडेंट होते हैं। जो भी सामान
आसानी से हमें अपने चारों ओर प्राप्त हो जाता है, उसी पे उद्योग निर्भर करते हैं। फिर है पूर्णकालिक व्यावसायिक इकाई, छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं इसमें वर्ष भर प्रोडक्शन कार्य होता है, इसलिए कहा जाता है कि पूर्णकालिक व्यावसायिक इकाई है जिसमें वर्ष भर लोगों को व्यवसाय प्राप्त होता है। नेक्स्ट है अर्धकुशल श्रमिक, छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं इसमें अर्धकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जैसे कुटीर उद्योगों में क्या हो रहा था कि हम अपने घर के लोग मिलकर ही उत्पादन कार्य कर रहे थे, इसमें क्या है कि हमें थोड़े से उनमें अर्धकुशल श्रमिकों की हमें आवश्यकता होती है, और अगर श्रमिक हमारे आसपास नहीं है तो हम बाहर से भी इन श्रमिकों को बुलवाते हैं। फिर है ये जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं इसमें प्रायः शक्ति से चलने वाली मशीनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुटीर उद्योगों में क्या हो रहा था कि हमें कोई मशीनरी का प्रयोग वहाँ पे नहीं किया जा रहा था, परंतु इसमें क्या है कि शक्ति के साधनों से चलने वाली जो छोटी मशीनें हैं उनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रोजगार के अधिक अवसर। जैसा कि आपको पहले मैंने बताया पूर्णकालिक व्यवसायिक इकाई है तो इसमें क्या होता है ऑब्वियसली रोजगार जो है लोगों को अधिक प्राप्त होते हैं। इसका जो क्षेत्र होता है छोटे पैमाने के उद्योगों का क्षेत्र थोड़ा सा ज़्यादा विस्तृत होता है। जैसे कुटीर उद्योगों में क्या था, उसका जो बाज़ार था वो बहुत सीमित था, लेकिन छोटे पैमाने के जो उद्योग हैं इसका बाज़ार कुटीर उद्योगों की तुलना में थोड़ा सा विस्तृत होता है। इसके अलावा जब ये छोटे पैमाने के उद्योगों में जब प्रोडक्शन कार्य भी थोड़ा ज़्यादा होता है मशीनों के माध्यम से, तो जो स्थानीय लोग हैं उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होती है, अर्थात इसमें प्रोडक्शन कार्य जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ी विकसित वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाता है जो बाज़ारों में बेची जाती हैं और जिनको खरीदने के लिए लोग निरंतर आते हैं, जिससे क्या होगा लोगों की क्रय शक्ति, वस्तुओं को खरीदने की जो शक्ति है उसमें वृद्धि होती है। अब हम ये देखेंगे जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं उसमें कैसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो इसमें हम देखेंगे जैसे लकड़ी की वस्तु जो है अगर बनाई जा रही है वो इसके अंतर्गत आएगी। बॉटल प्लांट्स अगर हैं कहीं पे, बॉटल बनाने का कोई कारखाना है वो इसके अंतर्गत आएगा। ज्वेलरी डिज़ाइन यानी जैसे हम कह सकते हैं आभूषण का निर्माण कार्य इसके अंतर्गत आता है। सिलाई का कार्य, सिलाई करना, ये सभी जो है ये छोटे पैमाने के उद्योगों के कुछ उदाहरण हैं। तो ओवरऑल हमने क्या देखा, छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं वो कुटीर उद्योगों से थोड़े से विकसित होंगे, इसमें साल भर प्रोडक्शन कार्य होता है, थोड़े हमें इसमें अर्धकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, अगर हमारे पास श्रमिक नहीं है तो हम बाहर से लोगों को बुलवाते हैं, और इसमें हमें छोटी छोटी मशीन, जैसे कुटीर उद्योग में कोई मशीन नहीं चाहिए थी, इसमें छोटी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, और इन उद्योगों के माध्यम से ही लोगों की जो क्रय करने की शक्ति है उसमें वृद्धि होती है, और ये लकड़ी की वस्तुएं, बॉटल प्लांट है, आभूषण बनाना है या सिलाई कार्य करना है, वो इसके प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट है बड़े पैमाने के उद्योग, जैसा कि इसका नाम है ये जो है निर्माण की बड़ी इकाई के रूप में देखने को मिलते हैं, अर्थात इसमें जो वस्तुओं का उत्पादन होता है या जहाँ पे ये उद्योग विकसित किए जाते हैं वो एक बहुत विशाल क्षेत्र होता है। यहाँ पे जो उत्पादन कार्य किया जाता है वो प्रायः विशाल मशीनों के माध्यम से किया जाता है, और इन विशाल मशीनों को खरीदने के लिए या कच्चे माल को फैक्ट्रीज तक लाने के लिए हमें बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। ये जो विशाल मशीनें होती हैं प्रायः इनको चलाने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता पड़ती है, या हम कह सकते हैं शक्ति के साधनों की आवश्यकता पड़ती है, तो इनका विकास प्रायः ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ पर बहुत सस्ती बिजली मिल जाए या फिर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा के संसाधन प्राप्त होते हैं। विशाल मशीनों से काम किया जाता है, अर्थात यहाँ पर यंत्रीकरण का जो विशेषताएँ हैं वो देखने को मिलती हैं। बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं यहाँ पे बहुत विशाल मशीनों को चलाने के लिए एक्सपर्ट व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, या फिर हम कह सकते हैं बहुत कुशल श्रमिकों की या व्यक्तियों की इसमें आवश्यकता पड़ती है। ये जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं इसमें जो उत्पादन कार्य है वो विशाल पैमाने पे किया जाता है, इसमें काम की अलग अलग वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं, तो लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोज़गार प्राप्त होते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं वो एक ऐसी इकाई होती है जो लोगों को बहुत अधिक रोज़गार प्रदान करती है, और जिसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनों को हम देख सकते हैं या जिसमें यंत्रीकरण का प्रोसेस देखने को मिलता है। अब हम ये देखेंगे बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं इसके कुछ उदाहरण जैसे हम देख सकते हैं, जैसे कौन सा उद्योग आ सकता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग इसमें आ जाएगा,
और दूसरा सूती वस्त्र उद्योग इसमें आ सकते हैं, सूती वस्त्र जो उत्पादन हो रहा है वो इसमें आ सकता है। तीसरा है चीनी उद्योग, इसका एक बहुत प्रमुख उदाहरण है। तो इस प्रकार के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होती हैं वो प्रायः इस पैमाने ये बड़े पैमाने के उद्योगों के प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को तीन भागों में बांटा गया है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो इसमें से पहला लेंगे हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जो होते हैं वो ऐसे उद्योग होते हैं जो सरकार के अधीन होते हैं। किसी देश की जो गवर्नमेंट होती है उनके द्वारा जब कोई उद्योग लगाए जाते हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। दूसरा है इसमें निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र के उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व होता है और उसी व्यक्ति की संपत्ति के द्वारा इस उद्योग को स्थापित किया जाता है। थर्ड है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त मीन्स जिसमें ये दोनों क्षेत्र के जो उद्योग हैं उनकी प्रतिभागिता होगी, अर्थात ऐसे उद्योग जिसमें व्यक्ति विशेष प्लस सरकार दोनों मिलकर उत्पादन कार्य करते हैं वो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। तो ये तीनों उद्योग जो हैं वो स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। कैटेगरी हमारी है उत्पादन के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो ये दो प्रकार के होते हैं, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग वो उद्योग होते हैं जो अन्य उद्योगों को आधार प्रदान करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कॉटन इंडस्ट्री की या हम बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री की, तो आपको मालूम है इन दोनों में प्रोडक्शन कार्य केवल मशीनों के माध्यम से ही होगा और मशीनें बनी होती हैं लोहे की। तो हम क्या देख रहे हैं, लोहा क्या कर रहा है, इन उद्योगों को आधार प्रदान कर रहा है। केवल यही उद्योग नहीं बल्कि जितने भी बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं उनमें उत्पादन कार्य मशीनों के ही माध्यम से किया जाएगा और मशीनें निर्मित होती हैं लोहे से। तो इसीलिए कहा जाता है कि लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है क्योंकि वह सारे उद्योगों को एक आधार प्रदान करता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग क्या है, देखिए ऐसे उद्योग जो व्यक्तियों के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के सामान को बनाती हों। जैसे फॉर एग्जांपल हमें अपने दैनिक जीवन में जो वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है अगर उसका प्रोडक्शन जिस भी इंडस्ट्री में हो रहा है वो उपभोक्ता उद्योग कहलाएंगे। जैसे चाय का प्रोडक्शन है, शुगर का प्रोडक्शन है, साबुन का प्रोडक्शन है, ये सारा क्या है हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं और इनकी पूर्ति जिन उद्योगों के द्वारा की जाएगी वो उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। तो हमने ये देखा कि उत्पादन के आधार पर जो उद्योग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण। तो इसमें हम देख रहे हैं ये पांच प्रकार के हैं, कृषि पर आधारित उद्योग, खनिजों पर आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, वनों पर आधारित उद्योग और पशुओं पर आधारित उद्योग। तो सबसे पहले हम लेंगे कृषि पर आधारित उद्योग। तो ऐसे उद्योग जिनके लिए कच्चा माल हमें कृषि के माध्यम से प्राप्त होगा वो कहलाते हैं कृषि आधारित उद्योग। जैसे चीनी है, सूती वस्त्र उद्योग है या फलों का रस बनाने का उद्योग है। तो इन सारे उद्योगों में हम देखेंगे चीनी उद्योग के लिए हमें गन्ने की आवश्यकता पड़ेगी जो हमें फसल के माध्यम से या कृषि के माध्यम से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। सूती वस्त्र के लिए हमें कपास की आवश्यकता पड़ती है वो भी कृषि पर आधारित है और फलों के रस के लिए हमें फल जो है हम वो कृषि के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। तो ये सारे उद्योग क्या हो रहे हैं, कृषि पर आधारित है, इनके लिए कच्चा माल हमें कृषि से प्राप्त हो रहा है। सेकेंड कैटेगरी है खनिज पर आधारित उद्योग। तो ऐसे उद्योग जिसमें खनिजों को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो हो जाते हैं खनिज आधारित उद्योग। अब खनिज जो होते हैं प्रायः दो प्रकार के होते हैं, लौह खनिज और अलौह खनिज। तो जो उद्योग लौह खनिज के अंतर्गत आते हैं अर्थात ऐसे उद्योग जिनमें लोहे का अंश प्राप्त होगा वो लौह उद्योग कहलाते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग हो गया। अलौह खनिज कौन से हो गए, जैसे तांबा उद्योग हो गया या एल्यूमिनियम उद्योग हो गया, इसमें जो खनिज होते हैं वो अलौह खनिज कहलाते हैं। तो ये हो गया हमारा खनिजों पर आधारित उद्योग। थर्ड है रसायन आधारित उद्योग। रसायन आधारित उद्योग क्या होते हैं, देखिए इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप से जो रासायनिक खनिज प्राप्त होते हैं वो प्रयुक्त किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पेट्रोरसायन उद्योग है, पेट्रोरसायन उद्योग जो होता है वो
पेट्रोल पर निर्भर करता है, खनिज तेल पर निर्भर करता है। खनिज तेल क्या है, वो हमें प्राकृतिक रूप से मिला हुआ एक रसायन है, तो उस पर डिपेंडेंट जितने भी उद्योग हो गए वो रासायनिक उद्योग कहलाएंगे या रसायन आधारित उद्योग कहलाएंगे। फोर्थ है वनों पर आधारित उद्योग, सेम चीज़, ऐसे उद्योग जिसके लिए कच्चा माल वनों के माध्यम से प्राप्त होता है वो वनों पर आधारित उद्योग कहलाते हैं, जैसे फर्नीचर उद्योग है, कागज़ उद्योग है या लाख का उद्योग है। इन सब चीज़ों के लिए हमें वनों पर डिपेंडेंट होना होगा, इसलिए ये कहलाएंगे वनों पर आधारित उद्योग। फिफ्थ कैटेगरी है पशुओं पर आधारित उद्योग, ऐसे उद्योग जिनके लिए हम पूर्णतः पशुओं पर ही निर्भर करते हैं, जैसे दुग्ध उद्योग है उसके लिए भी हम पशुओं पर निर्भर करेंगे, मांस उद्योग है या ऊन उद्योग है, इन सभी चीज़ों के लिए हम पशुओं पर निर्भर करते हैं। तो ये सारी जो कैटेगरीज हो गई वो हो गई कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण।